वो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको चलाने में कभी मन ना करे। इस चीज को लोग पहले इतना मतलब सीरियसली लेते नहीं थे कि आपकी गाड़ी कैसी चलती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हाईवे पे कितनी स्टेबल है। जी जी जी, है ना। कि आज जो है लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं और अब जो है इस टाइप की गाड़ियां चलाएंगे ना, तो महसूस होगा कि यार हमने अच्छी खासी गाड़ियां जो थी उनको जाने दिया। मैं फीडबैक पहले समझता भी नहीं था क्या होता है ये। तो एक मेरा दोस्त था, वो गाड़ी नीचे चलानी नहीं आती थी, तो उसकी क्विड लेके आया था मैं नोएडा से। मुझे लगता है कोई बिल्कुल ना बिगड़ी हो ना, तो वो भी वो शर्म के मारे ना 15-20 दिन बता देगा आपको कहीं ना समझे की गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है, अगर आपको यूज्ड कार मार्केट में या फिर कहीं पर भी आपको यूज्ड कार के तौर पर मिल रही है तो उसे छोड़ना मत, अगर वो अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि वो गाड़ी रिलायबल भी है और बहुत मजबूत भी है, और साथ के साथ हाईवे पर जब चलती है तो ऐसे चिपक के चलती है आप उसके फ़ैन हो जाओगे। आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल है, और वो गाड़ी है फिएट की पुंटो। और इस गाड़ी के प्राउड ओनर भी आज हमारे साथ है प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। 2014 मॉडल है, 1,43,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और अभी भी ये गाड़ी को निकालना नहीं चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ इसके 2 साल बचे हैं NCR के अंदर। और दोस्त, आपका क्या नाम है? भौमिक। भौमिक भी आए हुए हैं। भौमिक इस गाड़ी में काफी ट्रैवल भी करते हैं, तो इनसे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और सर, मुझे एक बात बताइए कि इतना लंबा क्यों रखा है इस गाड़ी को? फिएट चली गई है इंडिया से उसके बावजूद भी। देखिए, इसमें जो इंजन था वो नेशनल इंडियन नाम से जाना जाता था, 1.3 मल्टीजेट। तो उसका सामान मुझे हर जगह मिल जाता है। और बाकी वैसे कभी प्रॉब्लम आई नहीं ऐसी, तो मन ही नहीं किया। दूसरी गाड़ी यहाँ तो बहुत कॉस्टली पड़ रही है और इसने कभी ऐसा धोखा भी नहीं दिया मुझे सच। अच्छा, तो इस गाड़ी का सबसे अच्छा क्या लगता है? इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगती है मुझे बिल्ड क्वालिटी, स्टेबिलिटी। इस प्राइस रेंज में ना आपको मिलना मुश्किल है। तो ये कितने की ली थी जब आपने ली थी 2014 में? 7 लाख इसका प्राइस था और मैंने डिस्काउंट करके लगभग 6.5 की दे दी थी मुझे। 6.5 की ले थी। 8 सालों में कैसा रहा है इसका एक्सपीरियंस? कोई ऐसा तो नहीं है कि परेशान रहे आप, ब्रेक डाउन हो रही है इस टाइप का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ब्रेक डाउन तो कभी भी नहीं हुआ। 1,43,000 किलोमीटर आपने चला लिए जैसे मैं आपके ओडोमीटर में देख पा रहा था। सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या है इस गाड़ी का? देखिए, सर्विस कॉस्ट जो है इसका, जो मैंने फिएट के सर्विस सेंटर पे भी कराई थी, तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज आता था। हार्डली 3,000 के आसपास आता था। अगर डीजल फिल्टर वगैरह चेंज नहीं है वो होता था तो 5,000 चला जाता था। अच्छा। और 3-4 साल के बाद तो मैं बाहर ही करवाता हूँ लोकल मैकेनिक पे, वही 2,500 के करीब सर्विस इसकी लगती है। फ्यूल एफिशिएंसी का क्या है इसका? देखिए, अभी मैं करेंटली बता रहा हूँ फ्यूल एफिशिएंसी जो मैंने चेक करी है। मैं यहाँ से बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन तक जाता हूँ, परी चौक से मैं लगभग जो स्पीड मेंटेन करता हूँ वो 70-80 की करता हूँ, तो मुझे जो माइलेज मिलता है वो 25-26 का देती है माइलेज। अच्छा। और विदाउट एसी, और अगर मैं एसी चला दूँ तो वो 23-24 आ जाता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है और चलता है इतना तो बहुत ज्यादा। इवन अगर मैं परीचौक से बर्ड सेंचुरी का लगा लूं तो 27-28 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। बस ये 70-80 के बीच में चलाना है आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है आज की तारीख में इसके मुकाबले की कोई गाड़ी है? अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखा जाए, अभी आप लेंगे गाड़ी क्योंकि अभी 2 साल आप रखेंगे बोल रहे थे, पूरा इसको चलाएंगे, उसके बाद क्या इसके मुकाबले जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी टाटा नेक्सॉन की अच्छी है? अच्छा, वही मुझे मतलब इसके आसपास तो वही लगती है, बाकी गाड़ियां तो फिर मतलब इतनी ना मैंने देखी है, तो थोड़ा बहुत आइडिया वो है। हो सकता है कि XUV300 की बिल्ड क्वालिटी मुझे पता नहीं है, वो उससे मैच कर जाए। तो यार, गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी तारीफें हम लोग कर रहे हैं, तो चलाते चलाते बात करते हैं इसकी ड्राइव क्वालिटी वगैरह भी आपको बताते हैं। और वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि काफी लोगों ने अभी रखी है अच्छी खासी कंडीशन में, इस गाड़ी को काफी मेंटेन करके भी रखते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट रहेगी अभी के टाइम पे वो मेरे हिसाब से इतनी रहेगी कि जितना आपका नई गाड़ी का 1 साल में टूट जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? है ना, 50,000 का तो इंश्योरेंस ही हो रहा है नई गाड़ियों का। नई गाड़ी में साल में अगर आप 10-15 लाख की गाड़ी अगर लेते हैं तो उसका साल का 2 लाख के आसपास टूट जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है, तो उस प्राइस रेंज में आराम से आपको मिल जाएगी, है ना। तो चलिए अब चलाते हैं गाड़ी को, आइए। सबसे पहली चीज इस गाड़ी में दिखाने लायक है उसके दरवाजे, पूरी गाड़ी हिल जा रही है, इतना तगड़ा दरवाजा है। सर, एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ मैं, इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो मैकेनिक ने बताया था मुझे, इसकी जो माउंटिंग है वो नई चेंज होगी, वो थोड़ी चटक गई है। अच्छा। हाँ, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा करवाऊंगा उसे। इतने में तो है उम्मीद की हो जाता है।
और क्या क्या काम आए हैं इस गाड़ी में इतने सालों के बाद, वो पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक तो 75,000 पे क्लच चेंज हुई थी, उस समय दिल्ली में ही चलती थी तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता था ज्यादा। अच्छा। और उसके बाद में एक बार आगे वाले शॉक एब्जॉर्बर और जो चिमटे वगैरह होते हैं वो चेंज हुए हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा मेजर इसमें फॉल्ट नहीं आया है। थोड़ा मोटा छोटा मोटा आया तो लोकल लेवल पर ही सही हो गए। तो सस्पेंशन का काम में कितना खर्चा आया इसके? इसकी सस्पेंशन में अगर मैं इसका पूरा सस्पेंशन सिस्टम लगाऊं आगे वाला तो लगभग 15,000 का खर्चा आया होगा, और मैंने लोकल मार्केट में कराया था। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि अगर कोई ले और उनको ऐसी दिक्कत आए तो उनको थोड़ा सा आसानी जी, जी, जी। और बाकी एवरेज आप बता रहे हैं बहुत जी, सही जी, देती जी। है अभी ये 17.8 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है। कहाँ का, सिटी का है? जी हाँ, ये सिटी का है। कल एक्चुअली 2-4 सेक्टर में मैं गया था, त्योहार की वजह से बहुत भीड़ चल रही है इस समय, तो वो दिखा रही है। जो आपकी डीजल में रिड्ज स्विफ्ट वगैरह आती है ना, उससे थोड़ा सा मुझे गियरिंग में अंतर लगा। वो लो आरपीएम में भी अच्छा परफॉर्म करती है, इसका लो आरपीएम में थोड़ा सा लैग है। हाँ, ये दोनों गियरिंग में अंतर है इस तरह। और उसके बाद जब जैसे ही टर्बो की रेंज में आ रही है तो बहुत अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है, और गाड़ी के बिहेवियर से ही पता चल रहा है कि बहुत स्टेबल गाड़ी है ये। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आपने हाईवे में कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी, आप अपने आप बताइए मुझे। देखिए, जब मैंने इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था तो मैं काफी उससे पहले मैं एसेंट वीवा चलाता था। अच्छा। तो उसके कंपेरेबल में मतलब लग नहीं रही थी मुझे गाड़ियाँ जितना मेरा बजट था। जब मैंने इसे चलाया तो गाड़ी कभी 80-90 पे निकल गई, मुझे पता ही नहीं लगा था। अच्छा। तो बस उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि यही गाड़ी लेनी है। और हाईवे पे मैंने इसे 140 प्लस पे यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह पे स्टार्टिंग में ले जाता था मैं, अब तो नहीं चलाता हूँ मैं इतना तेज, तो बहुत ही स्टेबल चलती है, पता भी नहीं पड़ता गाड़ी। अगर आप मीटर देखोगे तो पता लगेगा स्पीड इतनी है, अदरवाइज नहीं लगता पता। कॉन्फिडेंस बहुत ही जबरदस्त आएगा आपको, जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस चीज को लोग पहले इतना मतलब सीरियसली लेते नहीं थे कि आपकी गाड़ी कैसी चलती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हाईवे पे कितनी स्टेबल है। जी जी जी, है ना। आज जो है लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं और अब जो है इस टाइप की गाड़ियाँ चलाएंगे ना तो महसूस होगा कि यार हमने अच्छी खासी गाड़ियाँ जो थी उनको जाने दिया। एक्चुअली लोगों को जागरूक होने में थोड़ी देरी हो गई कि चली गई। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी जीप में सर्विस हो रही है इस गाड़ी की, मतलब फिएट की जितनी भी गाड़ियाँ उसकी जीप में सर्विस हो रही है, तो आपने कभी एक्सपीरियंस करके देखा है क्या? हाँ, मैंने देखा था एक बार इसकी चाबी, क्योंकि लगातार एक ही चाबी यूज हो रही थी तो उसके जो थोड़े दांते से होते हैं वो घिस गए थे, तो थोड़ा उसका घूमने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक नई चाबी बनवाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी मतलब मैंने वहाँ दी थी और उस बंदे ने हाथों हाथ ही मुझे 2 घंटे में करके गाड़ी मेरी वापस दी। अच्छा भौमिक, आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आप कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही है, आप कौन सी लेना चाहोगे, आप पापा से कौन सी खरीदवाओगे? बोलेरो नियो। बोलेरो नियो? हाँ। वो क्यों यार? बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, आपको कैसे पता अच्छी गाड़ी है? उसमें गड्ढे पता नहीं चलते। अच्छा अच्छा, आपका भी प्लान है कि बोलेरो नहीं होगा? हाँ हाँ, हाँ मैंने टेस्ट ड्राइव की थी। एक्चुअली आप तो देखे ही, मेरा जहाँ घर है वहाँ आसपास में तो कितने गड्ढे हो रहे हैं, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। अच्छा। और जो दूसरी बात ये है कि मैंने पहले सबसे पहले गाड़ी मेरी सेंट्रो थी, फिर मैंने एक सीडान भी चला लिया सेंट, फिर मैं इस पे आ गया, तो अब मुझे थोड़ा एसयूवी चाहिए, और वो सब 4 मीटर भी है, उसका भी मुझे टैक्स का फायदा मिलेगा, और प्लस पार्किंग वगैरह में भी कोई इश्यू नहीं है, और दिखने में वो 4 मीटर कहीं से नहीं लगती है जो उसका साइज है। तो अब मैं गाड़ी लगभग 100 से ऊपर मैं हार्डली जाता हूँ, और इंडियन हाईवे जो हैं अगर एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि 90 से ऊपर चलाने के लिए हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें चलाने में। काफी लोगों को पसंद आ रही है बोलेरो नियो, हमारी जो लास्ट वीडियो उसमें भी आपने देखा होगा, ट्रैवल एंथुसियास्ट भी पसंद कर रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गो एनीवेयर टाइप की गाड़ी है वो। उसमें हाँ, उसमें एक एक्चुअली क्या है, उस कंपनी नाम बोलेरो नियो कर दिया है ना तो एक मेरा फ्रेंड है उसे उस बोलेरो नियो नाम से प्रॉब्लम है कि बोलेरो क्यों कर दिया है इसका नाम। अच्छा। तो क्योंकि वो थोड़ा सा रूरल टच आ जाता है बोलेरो का नाम सुनते ही। बाकी आप मुझे बताइए, इतनी गाड़ी आपकी चल चुकी है, कोई इसको सेकेंड हैंड लेता है जी तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इंजन के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, सस्पेंशन वगैरह भी इसके लोकल मार्केट में मिल जाते हैं जो नॉर्मली अच्छा। खराब होते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं तो जितने भी पार्ट्स वगैरह जो खराब हुए हैं इसके मैक्सिमम मैंने लोकल मार्केट से लिए, 4 साल के बाद मैं गया नहीं सर्विस सेंटर में। अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस गाड़ी को कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं? जी हाँ, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं जी।
वैसे ये वाला जो कलर है ना काफी आई कैचिंग है, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैंने लिया था ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डीमोरलाइज भी किया था कि ये कलर क्यों ले लिया, ये कलर क्यों ले लिया, और जबकि जब ब्रेजा ने ये कलर निकाल दिया तो वो अच्छा था। देखो कलर तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, हो सकता है उनको पसंद ना आता हो, बट यार वाकई में गाड़ी बहुत प्यारी थी। अभी मैंने आपका वो रिव्यू देख, ये जो सिट्रोएन C3 आई है ना, तो बताया कि इंजन पंची है काफी, तो मैंने उसकी बात करी थी और बहुत ही बजट फ्रेंडली गाड़ी है, बहुत सस्ती आ रही है। तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन था वो कह रहा था कि सर आपकी गाड़ी के पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन इस गाड़ी के आज की डेट में इतने कस्टमर है ना, 100 की 100 गाड़ियाँ एक दिन में बिक सकती हैं, लोग मतलब मिस कर रहे हैं इस गाड़ी को अभी। बिल्कुल उसके वर्ड्स थे। जब मैं जॉब करता था मेरे HOD थे एक, उनके पास भी पुंटो थी जी, बहुत ही खतरनाक लगाव जी, मतलब कि इस लेवल का लगाव था कि वो बेचने को राजी नहीं। वो दूसरी गाड़ी प्लान कर रहे थे और ऐसा बोल रहे थे कि इसको मैं कभी नहीं ले जाऊंगा, और बहुत ट्रैवल करते थे। मैं एक चीज सोच रहा था कि जो हैवीली बिल्ड गाड़ियां होती हैं ओवर द टाइम उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आते रहती है, कभी कुछ क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोहा लगा हुआ था, कभी हिंज टेढ़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बोनट टेढ़ा हो गया, नहीं नहीं तो ऐसा जो है ये मिसकंसेप्शन मेरा बहुत पुराना था, आज का नहीं है। तो ये ओवर द टाइम मैंने देखा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और बड़ी ही एडवांस इंजीनियरिंग लगी होती है गाड़ियां बनाने से पहले, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हैवीली बिल्ड गाड़ियां होती है, जो ज्यादा वजन वाली गाड़ियां होती है, वो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती जैसा आप बता रहे हो। जी जी। 70-80 की स्पीड में इतना अच्छा एवरेज निकाल के दे रही है, और क्या चाहिए। देखिए उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है, आप इसका ये जो फ्रंट ग्लास है इसका देखिए और स्विफ्ट का देखिए, स्विफ्ट का थोड़ा सा ना वर्टिकल है, ज्यादा खड़ा है, तो इसका थोड़ा सा लंबा इस तरह से, इसका स्लोप कम है, तो एयर रेजिस्टेंस ही कम फील करती है वजन होने के बाद, और एयर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है हाई स्पीड पर। एयर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी वजह से हाईवे पे स्टेबल भी रहती है जी, जी। जिसे एरोडायनामिक बोला जाता है। अब उसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे उस आगे लेंथ ज्यादा देने के चक्कर में ना पीछे स्पेस कम हो गया, आपको नहीं मिल पा रहा है स्पेस। हां हां, अगर आप यही इससे छोटी गाड़ी भी जो 3.5 मीटर की भी देख लेंगे उसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा, इसमें कम है, तो वही है, मतलब ऑप्टिमम करनी पड़ती है चीजें, कहीं बढ़ाओगे तो कहीं कुछ कम करना पड़ जाएगा। कभी आपने इसके रेट लगाने की कोशिश करी है? हाँ, रेट मैंने लगवाए हैं इसके, तो एक तो जो सामने वाला होता है ना जिसे आप बात कर रहे हैं, वो आपको ऐसे मतलब दिखा देगा कि आप कबाड़ा लेके घूम रहे हैं, राइट है ना, तो इसके तो कोई पैसे नहीं देगा, ये है वो है, कौन लेगा, तो इसके रेट मतलब ऐसे ही लगाते हैं वो, 1.25 लाख रुपए लगा देंगे, तो उसका इसे निकालने का मतलब नहीं बनता है। तो आराम से जो एक फिएट ग्रुप है हमारा बना हुआ, तो उसमें लोग क्लेम करते हैं मतलब 2.5-2.5 लाख तक, मतलब बिना किसी इंजन के प्रॉब्लम के गाड़ी चल रही है, और मुझे लगता है कि मैं इसे 2 लाख तक तो आराम से चला सकता हूँ, और 10 साल ही मेरे पूरे हो जाएंगे। बात यह है कि जो ले रहा है ना, जो आपसे 1.25 लाख रुपए बोल रहा है, वो निकालेगा उतने प्राइस में, 2.25-2 में। आप मार्केट में चले जाइए, आपको कोई गाड़ी घटिया से घटिया गाड़ी भी कोई 2.5 लाख रुपए से नीचे की मिल जाए, आपको सेंट्रो नहीं मिलेगी 2.5 लाख से नीचे की, इसकी छोड़ दीजिए, तो वो मोटा मार्जिन कमाने के चक्कर में रहते हैं सब। अभी देखो होता क्या है कि अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है तो उसको आप निकालने जाओ तो एक बार, अगर जिस गाड़ी को आप ले रहे हैं, नई गाड़ी जो ले रहे हैं, तो आप जो है उनको जरूर दिखाना, शायद हो सके कि एक्सचेंज जो बोनस साथ में मिलता है उसको मिलाकर आपकी जो ओवरऑल जो गाड़ी की वैल्यू है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है। कई ऐसी गाड़ियां होती है जो बिकनी रही होती है, नई गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई गाड़ी आप उनसे एक्सचेंज करते हैं तो पुरानी गाड़ी की वैल्यू जो है आपकी अच्छी लगा देते हैं, ऊपर से आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलता है ना, ऊपर से फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का सरदर्द जो होता है वो भी नहीं होता है, ये सबसे बड़ी हेडक। तो ओवरऑल गाड़ी को चलाने में मजा आया, और मुझे इसकी कुछ कमियां भी बताइए। कमियां जो है थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पिकअप है फर्स्ट गियर पे वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है, एकदम से जैसे उठ के जो भागती है गाड़ी वो नहीं है, और एसी चला देती है थोड़ा सा हल्का सा वो लगता है, स्लिकनेस लगती है गाड़ी में। हाँ। उसके बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग वगैरह भी काफी हैवी है इसका, हैवी उतना ज्यादा भी नहीं है कि आप सिटी में मैनेवर ना कर पाओ। फीडबैक बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है। इवन मैं फीडबैक पहले समझता भी नहीं था क्या होता है ये, तो एक मेरा दोस्त था वो गाड़ी चलानी चलानी नहीं आती थी, तो उसकी क्विड लेके आया था मैं नोएडा से। अच्छा। जब मैं उसे चला रहा था तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि फीडबैक नाम की चीज होती क्या है, अरे इधर घुमा रहा हूँ गाड़ी कितनी देर में रेस्पॉन्स ले रही है, सो रही हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इन्होंने फीडबैक क्या होता है, सरल शब्दों में। वो भी उस टाइम पे कोई वेटिंग का सीन नहीं होता। नहीं नहीं, सीधे ली थी सीधे पैसे जाके ले ली थी, एक दिन गया था दूसरे दिन ले आया था। आज ये सीन है कि कोई गाड़ी पसंद कर लो जी जी,
ज्यादा से ज्यादा 2 साल, कम से कम 2 से 3 महीने तो आपको लगेंगे गाड़ी लेने। मुझे लगता है कोई बिल्कुल ना बिक्री हो ना तो वो भी वो शर्म के मारे ना 15-20 दिन बता देगा आपको कहीं ना समझे कि गाड़ी बिकी नहीं रही है। अच्छा, अभी इसको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में करने के लिए कितना खर्चा आएगा आपका? मैंने हिसाब लगाया था, अगर मैं इसे लोकल मार्केट में ही सही करवाऊंगा तो लगभग 20,000 रुपए खर्चा आएगा, और उसके बाद जितनी भी कमियां हैं छोटी मोटी वो सारी खर्च हो खत्म हो जाएंगी। और आप 2 साल और चलाने के मूड में? बिल्कुल, मैं 2 साल और चलाऊंगा इसे। देखो, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको चलाने में कभी मन ना करे। अगर पूरा पैसा वसूलने वाली बात करें तो ये गाड़ी उसमें फिट बैठ रही है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं और आपके आसपास भी कोई ओनर पुंटो को निकालना चाह रहा है, अच्छी कंडीशन है, तो वो मौका मिस मत करना, क्योंकि वाकई में काफी अच्छी गाड़ी है, खर्चे काफी कम है, जैसे इन्होंने बताए, चलने में काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है बिल्ड क्वालिटी वगैरह, उस चीज की टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और सर थैंक यू, और भौमिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।